हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल नुसरत जहाँ फैशन लाइफस्टाइल। और मैं हूँ नुसरत। गाइज, आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ अपने न्यू वाले फ्लैट से। आप देख सकते हैं आज के दिन हम लोग ने क्या क्या शेयर किया है, तो लेट्स कंटिन्यू। उस साइड है क्या आपका? नहीं यार, इसी में है, पर सैंपल फ्लैट है, पर इसमें है ना? हाँ, इसमें अंदर नहीं, एंट्री नहीं है। हाँ। अच्छा, सैंपल फ्लैट इधर दिया अलग से। वो जो गुजराती अंकल है ना, उनका भी इसी में। हाँ, पता है। हाँ, हाँ। अपना प्रॉफिट तो नहीं जा रहा है, यहाँ जाएगा ना मैडम। एक्चुअली क्या था कि हम लोग, जो मेरी फ्रेंड है ना, वो उनका, उन्होंने भी फ्लैट बुक किया है, तो उनके फ्लैट को देखने गए थे। तो क्योंकि अभी उनका फ्लैट रेडी नहीं हुआ है, तो काफ़ी टाइम से जल्दी मुँह खोलो दिखाने इधर साइड में, बट फाइनली हमें टाइम मिला, कहाँ आई हो तुम? गए उनका फ्लैट देखने, बट मतलब एक वो वाला फ्लैट देखा है जो सैंपल फ्लैट होता है, अभी रेडी नहीं हुआ है उनका बिल्डिंग। तो अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं और देखने जा रहे हो। गाइस, यहाँ का जो नज़ारा इतना खूबसूरत था, फुल ग्रीनरी के साथ इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था कि बता नहीं सकते। और मतलब मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के साथ भी इसे शेयर करें, जब इतनी ग्रीनरी, इतनी खूबसूरत नज़ारा है। और यहाँ पर हम लोग बैठ के जा रहे हैं इस गाड़ी में, वहाँ पर उस पॉइंट पे जा रहे हैं जहाँ पर वो सैंपल फ्लैट बने थे। काफ़ी डिस्टेंस था, वॉकिंग डिस्टेंस था, तो इसके लिए वहाँ पर गाड़ी प्रोवाइड की गई थी उस जगह पर पहुँचने के लिए। तो फाइनली उस जगह पर पहुँचे और वाकई में ग्रीनरी का मज़ा लेते हुए, इंजॉय करते हुए। तो चलिए आप लोग के साथ शेयर करते हैं आगे हम लोग ने क्या क्या देखा और कहाँ कहाँ गए। तो यहाँ पर सबसे पहले एंट्रेंस में थे, पूछ रहे थे कि कहाँ पर फ्लैट है, यानी उनको मालूम तो था बट फिर भी वो कुछ पूछ रही थी, कुछ उन्हें नॉलेज लेनी थी। और यहाँ पर पहले अंदर आने के बाद ये सारे, यानी अगर मुंबई में जब फ्लैट बनता है, आई थिंक जहाँ भी बनता होगा, अगर बिल्डिंग सिस्टम फ्लैट सिस्टम होता होगा, तो पहले इंजीनियर इस तरीके का नक्शा बनाते हैं और ये नक्शा वहीं पर ही रखा रहता है जहाँ पर फ्लैट बुकिंग होती है या फिर फ्लैट्स वगैरह रहते हैं, वहाँ पर ये नक्शा रेडी करके रहता है। और गाइस, इस नक्शे को देखने के बाद ना आप बिल्कुल पता नहीं कर पाओगे फ़ोटो में कि मतलब ये नकली वाला है, यानी कि ये इंजीनियर का बना हुआ था, मगर सेम एज इट इज़ जो आपको दिख रहा है, सेम ऐसी असली बिल्डिंग्स होती हैं और सारी एमिनिटीज़ ऐसी होती हैं जो कि इसके अंदर आपको दिख रही है। इसमें पूरा मैप वाइज डिज़ाइन किया रहता है, कौन सी सड़क किस तरफ से आती है जाती है, उसके अंदर क्या क्या एमिनिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें इसमें क्लियर की होती हैं। और फिर उसके बाद फिर हम लोग वही चले गए, सैंपल फ्लैट पे पहुंच गए थे और वहाँ पर फिर हम लोग देखने लगे जो भी क्या क्या है, बिल्डर ने क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या वहाँ पर फ्लैट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कितना एरिया है। तो सारी चीज़ें हमारी फ्रेंड बता रही थी कि ऐसा ऐसा है, तो हम लोग यहाँ पर वही डिस्कशन कर रहे थे। और काफ़ी अच्छा फ्लैट था, बहुत ही अच्छा लगा। ये मीरा रोड में ही है और बहुत अच्छा फ्लैट है उनका, जिस हिसाब से सैंपल देखा मुझे भी बहुत पसंद आया। बहुत अच्छी सोसाइटी भी रहने वाली है। और चलिए कंटिन्यू करते हैं इस व्लॉग को। और हाँ, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें। गाइज, आप लोग वीडियो को लाइक करने बहुत ही ज़्यादा कंजूसी करते हो, इसलिए ऐसा बिल्कुल भी ना करें, जल्दी से वीडियो को लाइक करें। और आप किस टॉपिक पर चाहते हैं हमें कॉमेंट करके भी ज़रूर बताएँ, अगला वीडियो हम किस पर बनाएं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मैं ब्यूटी पर वीडियो नहीं बना पा रही हूं। मैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं मेरे घर के कामों में बिज़ी हूं, जैसे ही मैं फ्री होंगी तो मैं उस पर वीडियो बनाना शुरू करूंगी। तो गाइस, हमारी वीडियो में कंटिन्यू ज़रूर बने रहें। मैं ये जा रहा है, मशीन वहां पे जाएगा, मशीन। अच्छा अच्छा। और वहां बड़ा विंडो है, ऊपर से लेके नीचे तक बड़ा विंडो है, बड़ा है। और बाहर भी बालकनी है, किचन और हॉल को है, बेडरूम को बाहर देखा। अच्छा अच्छा। और फिर उसके बाद हम लोग बाहर की तरफ आ गए, यानी कि अब जाने का टाइम हो गया था, फिर भी हम लोग ने एक नज़ारा उस पर देखा क्योंकि मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा था ये जगह, यानी कि जो इंजीनियर की बनाई हुई पूरी चीज़ थी, थीम थी, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करें। और ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, ये एकदम मतलब यहाँ पर बैठ के लोग आते हैं, बुक करते हैं फ्लैट वगैरह जिनको बुक करना होता है। ओरिजिनल है, डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट है। अरे वाह, और उसके बाद फिर हम लोग फिर घूमने लगे, जो भी गार्डनिंग एरिया था वहां पर घूमने लगे और खूब एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद फिर हमारा टाइम हो गया है जाने। दो लोग आगे बैठी है, दोनों जो एडल्ट लोग हैं।
हम इन्फेंट पीछे बैठ रहे हैं। सनसेट है, कितना अच्छा आ रहा है। मिट्टी बहुत अच्छी है, रेड मिट्टी। हाँ, उससे पेड़ पौधे लगते हैं अच्छे। पूरा ग्रीन था, अभी थोड़ा सा रास्ता करने के लिए। हाँ, चौड़ा करने में। नहीं तो अंदर से आओ ना, तो ये वाला बीच वाला रास्ता है, देखो ये उधर वाला। अच्छा, फिर वहाँ से वो बाहर निकले। ओके, गैस यहाँ पर फिर हम लोग गाड़ी रिक्शा ढूंढ रहे थे पर नहीं मिल रहा था, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, उल्टा साइड पड़ता है, उस साइड जाने के लिए रिक्शा नहीं मिलते। तो फिर हमारे फ्रेंड्स के हस्बैंड आए, वो गाड़ी लेकर आए थे, तो उनकी गाड़ी से उनका भी फ्लैट देखा, बट हम वो शूट नहीं कर पाए क्योंकि शाम भी हो गई थी, अंधेरा लग रहा था, इसलिए वो शूट नहीं कर पाए। तो अभी मैं ये हम लोग वहाँ पर उनका फ्लैट देखने के बाद फिर मैं चली जाऊँगी, ये लोग चले जाएंगे अपने घर और मैं चली जाऊँगी अपने एज यूजल न्यू फ्लैट पर, जैसे कि वहाँ पर काम चालू है वहाँ पर देखने के लिए। तो हमारी वीडियो में आप कंटिन्यू बने रहें तो ही आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ पर हैं। तो हाँ, उसके बाद फिर हमने इन लोगों को अपना फ्लैट भी दिखाया, तो अपना फ्लैट दिखाने के बाद फिर यहाँ पर मैं दिखा रही थी पोडियम का एरिया, कि यहाँ पर पोडियम पे क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से गेम्स हैं, कौन कौन से एमिनिटीज़ हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं मेरी फ्रेंड्स को अपने फ्लैट की भी दिखा रही थी, अपने आउटसाइड की भी दिखा रही थी। तो जितना मैं कैप्चर कर पाई उतना किया मैंने, बाकी का छोड़ दिया। और यहाँ पर आप देख रहे हैं हर बिल्डिंग में जैसे बच्चे एंजॉय करते हुए, मतलब तो फिर से ऑन करके बताइए जरा, ये जो रेड वाला बटन है, सबसे पहले गीजर को बंद रखना है। ये गीजर बंद रहे, ठीक है। यहाँ से ये थोड़ा सा पानी निकाल ले, कहता गीजर का एयर निकल जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, और सिर्फ गर्म चाहिए तो सिर्फ गर्म चीज इससे ले सकते हैं, मिक्स चाहिए तो इसको भी थोड़ा सा ऑन कर देंगे तो गर्म ठंडा मिक्स हो जाएगा, दोनों मिक्स आएगा। वही वही इसको फुल खोलेंगे तो गर्म पानी ही बसाएगा, बोलेंगे अगर सिर्फ इसको बंद कर देंगे तो कर देंगे, ये तो नॉर्मल पानी आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, और ऊपर का कुछ, ऊपर का ये पावर का लाइट है, ये गर्म जैसा 3 लीटर गर्म पानी आपका फुल हो गया तो रेड लाइट बंद। इस शावर में नहीं आता है, मिक्स कर दो, चेक करिए गर्म पानी चले बचा। ओके ओके, हाँ यस, वही सेम चीज, दोनों को न्यूट्रल करना है, दोनों को न्यूट्रल करना है और वो वाले को घुमाना है ना। मिक्सिंग यही से होगा। और उसमें आ सकता है क्या? नहीं, उसमें नहीं आएगा। और ये नल कौन सा है? ये वाला। हाँ, क्या हुआ था फ्रेंड्स, आज हमारे फ्लैट में था हमारा ये गीज़र का इंस्टॉलेशन, तो वही भैया आए थे इंस्टॉल करने, तो यहाँ पर एमसीवी बार बार गिर रहा था, यानी कि कम वाट की एमसीवी लगी थी इसलिए गिर रहा था, तो वो मुझे बता रहे थे कि इसको चेंज करवा लीजिएगा, तो वही मैं समझ रही थी। तो गाइज़ ये है रोबोट, हमारे बच्चों के लिए आया है जो कि उनके पापा ने ऑर्डर किया था ऑनलाइन, तो वही आप लोग के साथ इन लोग ने शेयर किया, डाला, बोला मम्मी इसको भी डालो। होप गाइज़ आपको हमारी वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो इसे लाइक शेयर कमेंट करो, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें। फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक बाय।